अपने जीवंत रंगों, चित्रों और विवरणों वाली ये शानदार पेंटिंग ओडिशा की है। पटचित्र चित्रकला में पौराणिक कथाओं को दर्शाया जाता है, जिनका संबंध भगवान कृष्ण के अवतार पुरी के प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ से है। जैसा ही नाम में जाहिर है, पटचित्र एक प्रकार की स्क्रोल पेंटिंग है, जो परंपरागत रूप से कपड़े पर की जाती है। बरसों से ओडिशा और आसपास के क्षेत्र के चित्रकार इस तरह की चित्रकला करते आ रहे हैं। पटचित्र कला का इतिहास जानने के लिए हमने ओडिशा के सुंदर रघुराजपुर गांव का दौरा किया, जो पटचित्र कला का केंद्र माना जाता है। राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर और पवित्र शहर पुरी से 10 किलोमीटर दूर स्थित रघुराजपुर गांव में पटचित्र के कई कारीगर रहते हैं। दरअसल इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटैक के प्रयासों की वजह से इस गांव को एक हेरिटेज विलेज घोषित किया गया है। इस संस्थान ने यहां 2000 के दशक में काम किया था। रघुराजपुर में आपको ऐसे कई कारीगर मिलेंगे जिन्होंने न केवल पटचित्र कला की विरासत को जिंदा रखा है, बल्कि अपने काम से पूरी दुनिया में पहचान दिलाने में भी मदद की है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता चित्रकार निरंजन मोहराना पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त से पटचित्र कला से जुड़े हैं। उन्होंने इस विशेष कला के बारे में कुछ यूं बताया। जय जगन्नाथ। मो नाम हूँ निरंजन महाराणा। आटा हूँ डांडा साई पोस्ट ऑफ वीरभद्रपुर डिस्ट्रिक्ट पुरी। मुझे नेशनल आवड़ी पटचित्र कौलिक वृत्ति आम पटचित्र काम सब भी चले कम हुए। ये आमर भी परंपरा भी अच्छी, जगन्नाथ मंदिर भी सेवा भी अच्छी, मठवाड़ी भी आम सेवा अच्छी। यही काम ये कौलिक वृत्ति आम यही काम बर्तने भरण पोषण कर चलू। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 32 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଟଚିତ୍ର ବି କରିଗଲାଣି। ଇଏ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିତ ଇଏ ମନ୍ଦିର ହଜାର ବର୍ଷର ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତ ଇଏ ଆମର ହେଉଛି ପରମ୍ପରା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇ କାମ ହୁଏ, ସବୁ କାନ୍ଥରେ କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଚିତ୍ର ହୁଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଚିତ୍ର ହୁଏ। ହଁ, ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଟଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେମାନେ ବି ପଟଚିତ୍ର କାମ କରିକି ବାହାର ମାର୍କେଟିଂ ବି କରନ୍ତି, ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଫେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଏରିଆ ବି ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ତ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମ ଘର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତ କାମ ହେଉଛି। ତା ବାଦ ବି ଆମ ପାଖରେ ବି କାରିଗର ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ 10-15 ବର୍ଷ ନାକି ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରିଗର ବି କାମ କରିକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ବି ପିଲାମାନେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପେଣ୍ଟିଂ ଏ ଆଜ୍ କଲା କି ବେହତରିନ୍ କୃତିଆଁ ହେଁ, ଜୋ ହିନ୍ଦୁ ପୌରାଣିକ କଥାଓଁ କେ कई विषयों को दर्शाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चित्रों की शुरुआत देवताओं यानी भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की पूजा के विकल्प के रूप में हुई थी। परंपराओं के अनुसार ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को इन मूर्तियों को अनुष्ठानिक स्नान के लिए ले जाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन पुरी में जगन्नाथ मंदिर के देवता भगवान जगन्नाथ का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि स्नान की वजह से देवता बीमार पड़ जाते थे और 15 दिनों तक उन्हें बुखार रहता था। इस अवधि को अनासार यानी आषाढ़ का पहला पखवाड़ा कहा जाता है। इस दौरान भक्त अपने प्रिय भगवान के दर्शन नहीं कर सकते थे। इसी वजह से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के पटचित्र चित्र बनाने की शुरुआत हुई थी, ताकि भक्त इन देवताओं की पूजा उस वक्त भी कर सके जब मूर्तियों को उनके स्नान के बाद जनता से दूर रखा जाता था। माना जाता है कि पटचित्र पेंटिंगों की शुरुआत 12वीं सदी से हुई थी। पिछले 5 दशकों से शिल्प और डिजाइन पर काम कर रहे टेक्सटाइल डिजाइनर परेश चैटर्जी ने हमें पटचित्र के बारे में जानकारी कुछ इस तरह दी। ये पटचित्र कब से वो जो है, ये तो आज का नहीं, बहुत पुराना है पटचित्र। तो ये एक्चुअल इटर जनरली क्या हो रहा है, जगन्नाथ पुरी जो उनके ऊपर दे है, उनके साथ जो
राधा कृष्ण जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा इनके ऊपर ही सब काम होता है, पेंटिंग कर रहे थे। तो ये आज का नहीं है, 12th सेंचुरी 12th सेंचुरी का एक्चुअल। जो अपने देखने जाए जो इनका जो जो थीम जो स्टोरी है, ये कृष्ण भगवान के ऊपर भी है उनका चित्र, इनकार्नेशन 10 अवतार कृष्ण का 10 अवतार के ऊपर उन लोग पेंटिंग करते हैं। अच्छा राधा कृष्ण के ऊपर है, डिफरेंट इसके ऊपर सबके ऊपर पेंटिंग कर रहे हैं। रघुराजपुर पटचित्र के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक तो है ही, लेकिन परलाखे मुंडी, चिकिती, दंताशाही और सोनेपुर जैसे अन्य जगहों में भी ये कला आज भी जिंदा है। रघुराजपुर के कारीगर खुद को सबर जनजाति का मानते हैं और उन्हें चित्रकार कहा जाता है। शुरू में इस कला को अनासर पट्टी कहा जाता था। ये उस समय को दर्शाती है जब मूर्तियों को 15 दिनों के लिए एकांत में रखा जाता था। इस कला को अब पटचित्र के रूप में जाना जाता है। संस्कृत में पट्ट का मतलब कपड़ा और चित्र का अर्थ पेंटिंग होता है। देसी संसाधन और प्राकृतिक चीजों के इस्तेमाल की वजह से पटचित्र कला असाधारण मानी जाती है। इसे बनाने की प्रक्रिया में शिल्प कौशल और महारत शामिल होती है। पटचित्र पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया पुरानी सूती साड़ियों या धोती के साथ शुरू होती है, जो इन पेंटिंग्स का आधार होती है। इन जीवंत चित्रों में इस्तेमाल किए गए सभी रंग प्राकृतिक होते हैं और इसीलिए पटचित्र कला खास मानी जाती है। एक पटचित्र को बनाने में काफी समय लगता है। मिसाल के तौर पर निरंजन को इस बेहद खूबसूरत पटचित्र को बनाने में लगभग पूरा 1 साल लग गया था। बापा भी काम करते, गंजपा काम करते, द्वार चित्र भी करते, आउ जगन्नाथ भी चित्र करती, मुँह भी तांकर से काम शिखिकी बर्तन चलु। पटचित्र आमर ये हूँ आग कना कटन नुगुआ आसव, ताप कया मंजी अठा, कया मंजी आसो छेचा हे सी भी अठा हे। हाँ अठा हाला सी बर्तन आम हेस देहरे सी नागे, बेरुआ हेस देहरे से पटीटा नागे। तापर फे खड़ी पटी सुखी सारा बड़े फे खड़ी भी सीटा बोला जाए, तापर भी खड़ी बोला सरला फिर ताको साइज अनुसार कटाकटी कर फेणे पलिश हुए। पलिश बाद फेणे फेणे स्केच हो जो साइज बर्तन जोटा कम करने को पड़ो सीटा फेणे स्केच होम हम। आमर कलर मान आमर 4-5 प्रकार कलर, आम समुद्र जो सीपुटा आसे से सीपुटा को आम आेचु छेचिक बर्तन पाने पकेबू, पानी रे गोटे दिन पड़ी सारा भेजी सारापर आम शील अच्छी शील दे बटाए, ताको बटा सरला गोटे से गोटे खीरी टाइप रहा आउटा जीव, आउटा हो बर्तन से सर बसला बस आम जो शुखला हो जाए आम कि आउट सारापर बढ़िया टिकेलापर ताको आम दिन खंडे खराब शुखा जाऊ। हाँ सुखी सारापर बर्तन आमर कई थोटा पड़ी कि सेटा गोला जाए, ता पचरे हिंगुल सेटा नाली रंग सेटा 2-3 दिन पर सेटा शिला दीरे बटा पूरा नगातर रहइबो। तापरे से रंगुडा सहला परे से भी खराय सुखियो, ता पचरे गोटा हड़ताल सेटा हलदिया कलर हुए सेटा भी से भळा प्रोसेस रे भी चले। ये सब आम पूरा ट्रेडिशनल कलर रे आम काम कर। आजिकल जो बजार जो कलर मिलूँ बजार भी कलर मिलूँ बर्तन लोक आते परिश्रम कम करना आने किए भी मार्केटिंग करके ये हूँ कलेक्शन कलर बड़ बड़ पेंटिंग जो आमको अर्डर फर्डर मिले आम से पेंटिंग धीरे से कलर धीरे से ट्रेडिशनल कलर धीरे आम पेंटिंग करूँ। ये काल काल को रो ये मंदिर भी कम भी होता है से कलर से रामायण महाभारत कृष्णला मंदिर को लेकर आम पौराणिक विषय जे जोड़ा चाहला। दिलचस्प बात यह है कि पटचित्र कला में भी विविधताएं हैं। एक है ताड़ पत्ते पर नक्काशी जिसे ताल पत्र चित्र कहा जाता है। रघुराजपुर के कलाकार यूनिवर्स मोहराना ने हमें ताल पत्र चित्र के बारे में ये जानकारी दी।
तालपत्र का पेंटिंग जो होता है, तालपत्र पहले पेड़ से तोड़ के लाते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद उसे धूप में सुखाना पड़ता है। धूप में सुखाना पड़ने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, जैसे नीम के पत्ते, हल्दी और एक फ्रूट का तेल रहता है, उसे 3-4 दिन वो भी प्रोसेस करना पड़ता है। फिर साइज से उसको कटिंग करना पड़ता है, कटिंग के बाद उसको धागे से सिलाई करना पड़ता है, सिलाई के बाद और एक निडिल आता है जो लेखनी बोलते हैं, लोहे से बना होता है वो, उसी से वो कार्विंग होता है। कार्विंग के बाद जो खुदाई हो जाता है उसमें ब्लॉक पूरा भर लेते हैं, फिर कपड़े से पोंछ लेते हैं उसको, उसे वो प्रमिनेंट ऐसे दिखाई देता है। ये ज़्यादातर हमारा देवी देवी देव ऊपर पौराणिक ऊपर आधारित होता है, जैसे रामायण, महाभारत, कृष्णलीला, इसका ऊपर ये पेंटिंग ज़्यादातर किया जाता है। दूसरा है गंजिफा। इसे बनाने वाले शायद अब कोई कारीगर बचे ही ना हो, लेकिन किसी समय ये कला बहुत लोकप्रिय थी। ये पटचित्र में जो चीज आजकल विलुप्त हो गया, जो खत्म हो गया, दैट इज द गंजिफा। गंजिफा कार्ड जो बनता है, प्लेइंग कार्ड, ये बहुत फेमस था। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी मैंने कोशिश किया था, मेरे लिए बनवाली महापात्र ने अभी नहीं है, दुनिया छोड़ के गया, उन्होंने मेरे लिए 2 बनाकर दिया था बॉक्स, जिसमें एक था कृष्ण का दशावतार, दूसरा था रामायण। उसके बाद मैं बहुत कोशिश किया था, भाई कोई अगर मेरा गंजिफा बना सकता है तो कोई आर्टिस्ट नहीं है। ये बहुत दुख का बात है। एक फेमस उड़ीसा का जो गंजिफा कार्ड ओरिजिनल, वो आपको अभी कोई मिलता नहीं। तो ये जो चीज है, पता नहीं आपको देखने पड़ेंगे ये एक्चुअल कैसे विलुप्त कैसे हो जा रहा है। लेकिन पटचित्र का ये रूप आज भी लोकप्रिय है। पटचित्र चित्रों का मुख्य विषय स्थानीय देवता जगन्नाथ है, और ये कला मुख्य रूप से पूजा और अनुष्ठानों से जुड़ी है। इस कला में मंदिर की तरह भगवान को उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ कुल देवता के रूप में दर्शाया जाता है। लेकिन पिछले वर्षों में रामायण, महाभारत और भगवद गीता के प्रसंगों को भी पटचित्र में दर्शाया जाने लगा है। इसके अलावा इस चित्रकारी में पेड़ पौधों, परिंदों और जानवरों को भी दिखाया जाने लगा है। तो अभी पटचित्र जैसे राधा कृष्ण का वाया है, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र, इनके ऊपर पेंटिंग है। तो आजकल काफी पेंटिंग देख रहे हैं कि महाभारत जैसा, महाभारत का भी है, वो भी पेंटिंग है। गीता का जो है वो भी स्टोरी आता है, कृष्ण भगवान का ऊपर भी करता है। तो ये लोग कर बना रहे हैं। पटचित्र तो हमारे चलती से रामायण, महाभारत, कृष्णलीला, गणेश स्टोरी, ये तो पौराणिक चित्र पर सब चलती। आमर भी अन्य स्टोरी जब आम करूँ, बुद्धर को भी करूँ कि जैन करूँ, से अर्डर दे बर्तन आम कम कर। लेकिन भारत में कई अन्य पारंपरिक कलाओं की तरह पटचित्र कला भी जीवित रहने और दोबारा अपने पाँव पर खड़े रहने के लिए संघर्ष कर रही है। कला और कारीगरों को एक बड़ा झटका सन 2019 में ओडिशा में चक्रवात फनी की वजह से लगा था। कई कारीगरों को तबाही का सामना करना पड़ा था, क्योंकि न केवल उनकी लाखों की पेंटिंग बर्बाद हो गई, बल्कि उनके लिए जिंदा रहना भी एक चुनौती बन गया था। कई चुनौतियों से जूझते हुए बहुत से कारीगरों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी भी एक संघर्ष बन चुकी है। वो अपना पेट पालने की जद्दोजहद में लगे हैं। पटचित्र पेंटिंग ही उनकी आय का एकमात्र जरिया है। असुविधा कौन, ये जो फनी फनी है बर्तन आम भी टोटाली मार्केटिंग पूरा बंद हो जाए, चलिया बिना भी बहुत असुविधा हो जाए। कारीगर मैंने भी मार्केटिंग सुविधा भी पाइपार ना, ना आमको कि रघुराजपुर जहाँ सुविधा हो आम मानक मिलूनि सुविधा। आमर रघुराजपुर दांडसाई हूँ पटचित्र आर्टिस्ट, कि जहाँटा गाँ को आम दांडसाई भी किसी आसपारे, गवर्नमेंट दांडसाई भी किसी करनी, रघुराजपुर जहाँ कर दांडसाई भी आम कि सुविधा पाइपार ना, जी आर्टिस्ट जन अच्छे। फनी टाइम तो बर्तन आम पूरा घर द्वार पूरा गचपत पड़ी कि पूरा भांगी भुंगी गला, आ 4-8 दिन निम्ते बर्तने खाया बिना बहुत असुविधा भी समझे पड़गले, गवर्नमेंट भी किसी साहय देनी। जहाँ आम जो
ଦେଖିଲିଆ ଅଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଚାଉଳ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯାହା ଯେମିତି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ନ ନାହିଁ ତା ବିନା ଆଉ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ କେହି ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି। कारीगरों के सामने प्राकृतिक आपदाओं के अलावा भी कई चुनौतियां हैं जिनका सामना उन्हें लगभग हर रोज करना पड़ता है, चाहे वो कृत्रिम रंगों का बढ़ता उपयोग हो या फिर सस्ती डिजिटल प्रिंटिंग। अभी देखिए, ये पहले जमाना में जो करता था वो लोग ने रिलीजियसली करते थे पेंटिंग, लाइक ए रिलीजियस दे तो लगा पूजा, जैसे जिसको पूजा बोलते हैं ना, भगवान के पास पूजा करता है वो हिसाब में करते थे। मगर जब टाइम चेंज, डे टू डे जो टाइम चेंज होता है, आदमी का माइंड भी चेंज हो जाता है। आजकल के जमाना में उतना पैसे नहीं है, ये इन्होंने जो कितना मेहनत करके जो वो जमाना में यूज करता है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ कुछ पटचित्र पेंटिंग देखा जिसमें पिगमेंट कलर यूज किया है, पोस्टर कलर एक्रेलिक कलर यूज करता है, वो तो पता पड़ता है। मगर उनको मैं पूछता है, बोले देखिए साहब, अगर हम वो करने जाओ पहले जैसा, उतना हमको कोई भाव तो कोई प्राइस मिलता ही नहीं, और इतना मेहनत कर कर हम लोग को नहीं होता। इसीलिए अभी इन लोग ने कभी कभी देखा एक्रिलिक कलर, पोस्टर कलर यूज करता है। ऐसा लेमैन जो आम जनता का कुछ पता ही नहीं है, ये एक्चुअल नेचुरल कलर है क्या केमिकल कलर है, उसको अट्रैक्टिव होना चाहिए, सस्ता में होना चाहिए, उसी हिसाब में कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी दुख का बात है, मगर आप कुछ कर भी नहीं सकता है। उड़ीसा इज द प्रॉब्लम का नेचुरल कैलामिटी उसको हमेशा ही होता रहता है, लगभग हर साल कुछ ना कुछ यू नो तूफान आता है, उनका तो होता ही है। उसमें जो लोग समुद्र नजदीक में है उनका तो ज्यादा नुकसान हो जाता है। अभी जो पटचित्र बिगड़ गया उसका तो रिपेयर, उसका तो कुछ कर नहीं सकता है। तो अभी देखिए, इट इज हैज टू बी टीम वर्क, एक आदमी से तो करना मुश्किल है, इट शुड बी टीम वर्क। पॉलिसी होना चाहिए, गवर्नमेंट से कुछ होना चाहिए कि उनका रघुराजपुर में एक अच्छा प्लेस में जहाँ पर यू नो लाइक take the order from different part of the country or outside of that, there some marketing people find out inse kuch product banao, government ko aakar inko kuch project aisa banaye ke bhai ek sanstha banaye jahan par in log baith kar sab cheez banaye। aapne bada to barabar bola ki aapne the future mein, mere ko my question is the pehle pucho kitne ke bachcha hai interested, kya patachitra wala aapne bachche ko line mein bhejne mangta hai। aap dekhiye na, अभी बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी हैव लॉस्ट सो मेनी क्राफ्ट फ्रॉम दिस कंट्री, बिकॉज ये एक मेहनत है, ये एक लगन है ना, आपका अंदर से जोश होना चाहिए, ये होता था। अभी बच्चे लोग नहीं है, मॉडर्न एज में कंप्यूटर एज आ गया, तो ये है। अच्छा, अनदर सैड पार्ट ऑफ दैट, मैंने कुछ दिखा था पटचित्र पेंटिंग को, आपको बिलीव नहीं करके डिजिटल में प्रिंटिंग किया, डिजिटल में एक आदमी मेहनत करके पटचित्र बनाया, उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया है। अभी डिजिटल में आएगा तो बेचारा कहाँ जाएगा। तो ये जो चीज है, अवेयरनेस ऑफ द पीपल हु कैन अंडरस्टैंड ये पटचित्र क्या है, उसको बनाने के लिए क्या मेहनत है, ये सब देखो फील करने पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है। लेकिन निरंजन मोहराना और उनके परिवार जैसे कारीगरों की बदौलत पटचित्र कला के लिए आज भी आशा की एक किरण बाकी है, जो अपने बेहतरीन काम के साथ पटचित्र की कला को अगले स्तर तक ले जा रहे हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निरंजन महाराणा का काम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के गैलरी तक पहुंच चुका है। परेश चटर्जी जैसे व्यक्तियों, डिजाइनरों, शिक्षकों के सही दिशा में चलाए जा रहे कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों के कारण इस कला के जिंदा रहने की उम्मीद बची हुई है। शिक्षा और ट्रेनिंग के जरिए भी काफी मदद की जा रही है। हाँ, ये तो स्टूडेंट मैंने आसुंत भी काम भी शिखुन, तांकर भी आग्रह अच्छे भी काम शिखिकी बताने, से भी मार्केटिंग भी कले। हाँ, मोर भी आम झील मैंने भी घर भी काम करते, पु भी ना झील मैंने परिवार भी फैमिली भी समेत काम करते। स्टूडेंट मैंने तो ये भी आसिक भी काम कर भी, सी भी बाहर भी मार्केटिंग कले, भी मो पाखर भी किसी भी काम शिखिकी भी सी भी नेशनल अवार्ड भी पाले, स्टेट भी अवार्ड पाले। ये तो बर्तन मुझे ऑस्ट्रेलिया नेशनल म्यूजियम बर्तन मोर नेशनल गैलरी भी ऑस्ट्रेलिया म्यूजियम भी एक बड़ पेंटिंग रही, गोटे 15 फुट 5 फुट पेंटिंग रही। हाँ, भले भी ऑस्ट्रेलिया भी बेसी चाहिदा अच्छे पेंटिंग, पर अमेरिका भी अच्छी। ये बहुत खतरनाक चीज है, उनके यू नो जिंदा रहने के बहुत मुश्किल हो जाता है।
और ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन अभी चल रहा है, आपको देख सकते हो, मैं देखा सब दुकान में वेरी टोटली कॉमर्शियल में चल गया, तो कॉमर्शियल में तो वही हो जाता है, मगर पटचित्र का जो ऑरिजिन जो है उसी ढंग में बहुत कम में पटवा जो है उनको देखा वही समय काम करते हैं, बिकॉज काफी आदमी को मैंने वर्कशॉप में बुला था वो लोग करते थे जो, मगर मैं भाई मेरे को ओरिजिन में चाहिए, वो बोले सर उसमें तो ऐसा कुछ कुछ का तो पता भी नहीं होता है, उसका दादा परदादा कैसे बनाया तो वो भी नहीं पता होता है, मगर एनीवे अभी तो मैं लगता है कि पटचित्र का जो स्टोरी तो बहुत बन चुका, बहुत पता है, मगर अभी उनके लिए व्हाट मेरे को फील हो रहा है कि पटचित्र आर्टिस्ट को अगर रोटी कमाना है जो कुछ है, दे हैव टू चेंज द थॉट नाउ, उनका मीन पटचित्र को प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में जाना चाहिए, उसमें देखा था उन लोग ने काफी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, तो दे आर यूजिंग, दे आर मेकिंग ए टेबल लैम्प, लैम्प सेट बना रहा है, यू नो बुक कवर भी बना रहा है, ट्रे बनाया, बहुत कुछ बनाया, मगर मेरे को हिसाब में ये इन लोग कुछ कुछ टेक्सटाइल में भी ले जाना चाहिए पटचित्र, तो टेक्सटाइल फॉर्म में लाइक ए बेडशीट, उसमें मैं बोलता भगवान का फोटो नहीं दो, क्या कोई कोई इसमें क्या था, कोई पसंद नहीं करेंगे ये भगवान जगन्नाथ उनके ऊपर कोई सो रहा है, मगर उनका सर्टेन मोटिव जो है पटचित्र का स्टाइल जो डिजाइन उसको अगर वो फॉर्म में ले जाए कुछ है, आप देखिए मेरे को बताए कितना आदमी पटचित्र खरीद करता है ये कंट्री में, ये आज पटचित्र का नहीं, हर हर आर्ट का भी ऐसे ही प्रॉब्लम है, मगर जब प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में यू हैव टू गो देयर, अभी उसमें आपने टेबल लैम्प तो एक हुआ, बिकॉज सो मेनी थिंग यू कैन मेक लाइक ए बॉक्स, पैकिंग बॉक्स, वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक के बैक साइड में पटचित्र के पेंटिंग जिसमें करता है, जैसे मैं भी मेरा घर में रखा हुआ है उसमें, तो इसी टाइप का जो डे टू डे ओके इवन दे कैन वो आपके सिरामिक्स में भी ले जाए पटचित्र डिजाइन, सिरामिक्स के ऊपर वही पेंटिंग पटचित्र पेंटिंग करे, तो ये जो चीज है फर्नीचर, कुछ कुछ फर्नीचर में बैकग्राउंड जो इंटीरियर में, इंटीरियर में वॉल के ऊपर उन्होंने पटचित्र को क्या पेंटिंग ऐसा कुछ, ऐसा खुद ना खुद करने पड़ेंगे, स्पेशली भाई देखिए पटचित्र के लिए तो उड़ीसा में पता नहीं है कुछ, हमारा गुजर में पटचित्र पेंटर यहाँ रहता है अहमदाबाद में इधर है, इवन हम लोग ने रिसेंटली उनको बुलाया था, बुलाकर हमने क्या किया था, हमारा कॉलेज में कारिकुलम बनाया, हम लोग का जो कारिकुलम होता है उसके अंदर रखा है कि बच्चे लोग जे कैन लर्न पटचित्र वाला अपना काम करेंगे, आवर किड्स कैन गो एंड लर्न फ्रॉम देम, पहले उनको सीखो ये क्या बनाया, फिर उसके ऊपर से अगर कुछ प्रोडक्ट में जाए, तो ये कुछ अगर गवर्नमेंट ने कुछ बनाया जाए ऑल द यूनिवर्सिटी डिजाइन कॉलेज, मेरे को लग रहा है जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे हमने क्राफ्ट इनोवेशन सेंटर बनाया, हमने ऑल क्राफ्टमैन को कंटिन्यूअस बुलाता रहता है, डिफरेंट क्राफ्टमैन, सिर्फ सबका हालत तो एक ही हालत है उसमें, तो अभी हम लोग क्या है कि हमारे कोर्स के अंदर मॉडल बनाया कि एवरी क्राफ्टमैन जिसको जिसको बुलाया था वो देयर आवर स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व विद द क्राफ्टमैन, दे लर्न फ्रॉम देम हैंड्स टू एक्सपीरियंस एंड ये अवेयरनेस है, तो ऐसे ऐसा कुछ कुछ मेरे को लगता है ऑल ओवर इंडिया में कुछ ऑल द डिजाइन स्कूल दे मस्ट ओपन क्राफ्ट इनोवेशन सेंटर, जो क्राफ्ट इनोवेशन सेंटर में पूरा क्राफ्टमैन ऑल क्राफ्टमैन को बुलाओ, पटचित्र बोलो कोई किसी को बोलो, उनके मॉड्यूल के अंदर तैयार करो, ये हमारे मॉड्यूल के अंदर होगा, जैसा हमारा हमने क्या किया, हम लोग का फैशन डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल है, अभी पटचित्र में जो कुछ काम करता है उनमें कुछ मोटिव को हमने अगर टेक्सटाइल में कन्वर्ट करें क्यों कुछ करें, ऐसा तो आपको करना ही पड़ेगा। सैकड़ों बरस पुरानी इतनी सुंदर और जिंदगी से भरपूर इस कला ने हमारी विरासत को संजो कर रखा है। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि सामूहिक कोशिशों और जागरूकता के साथ पटचित्र की ये अनमोल कला जिंदा रहे और खूब फले फूले।